क्या संतोष, क्या हाल है? अरे भाई, मेरा हाल तो ठीक है, तुम अपना सुनाओ। मेरा हाल भी ठीक है भाई। क्या भाई, आजकल पीके दीवाना का बहुत नाम चल रहा है। हाँ भाई, मैं भी सुना हूँ। सुने है कि पीके दीवाना को चाहे कितना भी मार लो उसे चोट नहीं लगता है। हाँ हाँ भाई, हम भी सुने हैं। तो चलो आज पीके दीवाना से मिलते हैं। हाँ भाई, चलो चलो, हम भी मिलेंगे। ठीक है, चलो। हेलो पीके दीवाना जी, नमस्ते। नमस्ते भाई लोग, नमस्ते भाई लोग। हम आप लोगों को पहचाने नहीं। भैया, मेरा नाम शीतल कुमार है। और ये कौन है तुम्हारे साथ में? भैया, ये मेरे दोस्त है संतोष कुमार। भैया, हम लोग गांव से आए हैं आपसे मिलने के लिए। आप लोग हमसे मिलने के लिए गांव से आए हैं? बोलिए, आप लोग को क्या मदद चाहिए हमसे? भैया, हम लोग सुने हैं कि आपका शरीर बहुत मजबूत है, चाहे लोग आपको कितना भी मारे आपको चोट नहीं लगता। हाँ हाँ, सही सुने हो। चलिए भैया, हम लोग भी देखते हैं आपको चोट लगता है कि नहीं। ठीक है भाई, चलो। अरे रे रे भाई, ये क्या कर रहे हो? बेल्ट क्यों खोल रहे हो? भैया, हम बेल्ट से मारेंगे आपको, देखते हैं चोट लगता है कि नहीं। हाँ भैया, हम भी मारेंगे बेल्ट से आपको। अरे साला, लगता है ये दोनों मिलके आज हमको ऊपर भेज देगा। हाँ तो भैया, शुरू करें। हाँ भैया, शुरू करते हैं। ठीक है भाई, शुरू करो। हेलो। हाँ भाई, भाई लोग तुम लोग एक मिनट यहीं पर रुको, हम आते हैं। अरे बाप रे बाप, आज नहीं बचेंगे भाई, पूरा पीठ लाल कर दिया। अरे बाप, अरे बाप रे बाप, मार दिया साला दोनों मिलके हमको। अरे भाई शीतल, ये तो बोला था कि एक मिनट में आ रहे हैं, ये कितना लेट कर रहा है, ये क्या कर रहा है? चलो देखते हैं। ठीक है भाई, चलो। अरे भाई, क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? अरे भाई, अच्छा मजाक करते हो, हम रो रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता। अरे भैया, हमने तो आपको रोते हुए देखा। अरे भाई मजाक मत करो, हम तो वीर बलवान शक्तिशाली हैं, हम कैसे रो सकते हैं? अरे भैया, आप इतना देर से यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही गर्लफ्रेंड का फोन था, इसीलिए आ गए। लेकिन हमने तो आपको रोते हुए देखा। अरे तुम लोगों को बात से कहते हैं तो समझ नहीं आता है, शायद तुम दोनों हमारे बारे में जानते नहीं हो। जब हम मोहल्ले से गुजरते हैं तो हमको देखकर सारे लोग भाग जाते हैं। अरे भाई शीतल, इनको देखकर मोहल्ले का लोग क्यों भागते हैं? अरे भाई, जानते नहीं हो, हो सकता है कि ये जब मोहल्ले में जाता होगा चारों तरफ पात पात की बीमारी फैला देता होगा। इसका मतलब ये कोई बॉडी बिल्डर नहीं, एक नंबर का पदौड़ा है। अरे साला, तुम हमको पदौड़ा बोल दिया। नहीं नहीं भैया, हमने आपको कुछ नहीं बोला। हाँ भैया, हम आपको कुछ नहीं बोले। अरे हम सुने हैं तुम दोनों मिलके हमको पदौड़ा बोल दिया। नहीं भैया, हम लोग कुछ नहीं बोले। अरे साला, तुम दोनों हमको कुछ नहीं बोला, रुको अभी हम तुम दोनों को बताते हैं। साला तुम दोनों यहाँ से भागो। अरे साला, ये दोनों मिलके पदौड़ा बोल के मेरा इज्जत मिट्टी में मिला दिया। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें। दोस्तों, हमारे वीडियो कमेंट जरूर करें।